Very good morning to all of you. Welcome to second video on prolonged labor. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ prolonged labor, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है. इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ, स्टेशन जीरो हम लोग कब बोलेंगे? व्हेन द फीटल वर्टेक्स इज एट लेवल ऑफ ischial स्पाइन, है ना? पीछे जो ischial स्पाइन है, ठीक है, अगर ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ischial स्पाइन आपको दिख रहा होगा. अगर फीटस का वर्टेक्स यहाँ पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेशन ज़ीरो. 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो -1, 1 सेंटीमीटर नीचे है तो +1, 2 सेंटीमीटर नीचे तो +2, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो -2, ठीक है? अभी मैं इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट. हम लोग मैनेजमेंट को दो हेडिंग में देखेंगे, एक तो प्रिवेंशन और दूसरा एक्चुअल ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन में टोटल 6 पॉइंट है. इसमें हम लोग को जो रिस्क फैक्टर है उसको पहले इवेलुएट करना रहता है, सो दैट कि हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली, है ना, प्रिवेंशन ले पाए. और अगर हम लोग पार्टोग्राफ यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग लेबर हम लोग पता कर सकते हैं, है ना, क्या प्रोलोंगेशन है या नॉर्मल लेबर है, ठीक है? तो इससे हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोलोंग लेबर को. उसके बाद सेलेक्टिव एंड जुडिशियस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करना है. कैसे करेंगे? बाय लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉलोड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप. फीमेल का जो पोस्चर है उसको चेंज करना है, है ना, सुपाइन में नहीं रहने देना है, सो दैट कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया जाए. डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है और पेन रिलीफ के लिए एडिक्वेट अमाउंट में एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना है. तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर, यूज ऑफ पार्टोग्राफ हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन, सेलेक्टिव एंड जुडिशियस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर बाय लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉलोड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप, चेंज ऑफ पोस्चर इन लेबर अदर देन सुपाइन टू इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एवॉइडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड एडिक्वेट एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ. अब हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करेंगे. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज में, है ना, दो डिसऑर्डर हम लोगों ने देखा था. एक तो प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज, मतलब एक्टिव फेज बहुत लंबे समय का देखा जा रहा है ना, और दूसरा एक्टिव फेज अरेस्ट. तो एक्टिव फेज अरेस्ट का जो मैनेजमेंट है दैट इज सी सेक्शन. और प्रोट्रैक्टेड एक्टिव फेज में हमें पहले दो चीज़ को रूल आउट करना पड़ता है, दैट इज सीपीडी, सीफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन एंड ऑसिपिटो पोस्टीरियर पोजिशन. और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर कैसे करेंगे. तो हम लोगों ने ऊपर पे देखा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. तो पहले लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करना है, उसके बाद आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करना है. दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फर्स्ट स्टेज, नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. तो इसमें भी फिर वही दो पार्ट है, है ना. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें फीटल डिसेंट से लेना देना होता है, तो हम लोग जो मैनेज करते हैं दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेशन ऑफ द फीटल हेड, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया. तो अगर स्टेशन एवर प्लस 2 सेंटीमीटर है, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे. और अगर प्लस 2 पे है, है ना, या उससे नीचे है, यानी कि ischial स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे है या उससे और भी नीचे है, तो हम लोग फोरसेप्स और वैक्यूम के थ्रू डिलीवरी कराएंगे. और अगर ischial स्पाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो हम लोग सी सेक्शन कराएंगे. दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर. थैंक यू.